हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो दोस्तों मैंने जहां पर ख़त्म किया था वहीं से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जैसे ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सीधा सामने आपको एक बेहतरीन जगह देखने को मिलती है, वो है अमरनाथ बेस कैंप। दोस्तों जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं वो यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये है अमरनाथ बेस कैंप दोस्तों, ये पहलगाम में स्थित है और यहीं से सब लोग हर हर महादेव कहते हुए महादेव के चरणों में पहुंचते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर अमरनाथ यात्रा ख़त्म हुई है, इसलिए कोई चहल पहल नहीं है, और इसी रास्ते से जब आप सीधे आगे चले जाते हैं तो आप पहुंचते हो आरू वैली। आया मजा। यहाँ दोस्तों आरू वैली जाते टाइम रास्ते में मौसम इतना अच्छा था ना कि बादल हल्की हल्की बौछार बारिश हो रही थी कि एकदम ऐसा मन कर रहा था कि उसको एकदम सनरूफ वाली गाड़ी होती ना उसमें से बाहर निकल के उसको फील किया जाए, पर यहाँ अलाउ नहीं था तो विंडो से ही काम चलाना पड़ रहा था। और हर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट लग रहा था कि हर एक जगह आप रुको और वेट करके फील करो उसको। और यहाँ पर आगे में हम लोग चले तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर चल रही थी कोई फिल्म की शूटिंग दोस्तों, देख सकते हो, जाना तो अलाउ नहीं था। और आगे चल के पहुँचते हैं हम अपने फाइनली आरू वैली में। ये था उसका मेन गेट आरू वैली का, ये है आरू वैली हमारा दोस्तों। आरू वैली में ना एज़ अ कंपैरिजन बेताब वैली के ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम से देख के आपको मतलब कि अच्छा लगे, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा है ये भी। जब स्नोफॉल होता है, जब पूरी बर्फ़ की लेयर जम जाती है ना, तो वहाँ उस टाइम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, एक तो रिस्क नहीं है कोई भी, ऐसा पहाड़ घाटी टाइप की ऐसी नहीं है, एकदम प्लेन आपका ग्राउंड है जिसमें आप आराम से बर्फ़ में मस्ती कर सकते हो, ना ही यहाँ पर घोड़े या किसी और गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी आने जाने के लिए। सिंपल अपनी गाड़ी से आइए और आराम से आप यहाँ पर मस्ती कर सकते हो। अभी इस टाइम सितंबर में जो है पूरी ग्रीनरी है, एकदम से चारों तरफ से ग्रीनरी से भरा हुआ है। हाँ, स्नोफॉल हो रही है लेकिन पहाड़ों पर ऊपर टॉप पे स्नोफॉल हो रही है, जो कि सितंबर मंथ के लास्ट तक या फिर अक्टूबर मंथ के लास्ट तक आपके एकदम से स्नो नीचे तक आ जाएगा। और ये एक होटल बना हुआ है, होटल अल्पाइन यहाँ पर आरू वैली में। आई थिंक ये बहुत महंगा होगा। और ये है पूरा आरू वैली का लुक, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत ही सुंदर लुक कि मतलब बैठ के फील करने लायक है एक जगह को। आरू वैली में दोस्तों हम कम से कम एक से डेढ़ घंटा तक रुके और बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और बहुत सारी रील्स बनाई दोस्तों। ये सारी रील्स देखने को आपको मिलेंगी हमारे ही चैनल पर शॉर्ट्स वाले फोल्डर में, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी रील्स मैंने अपलोड कर दी हैं और भी आगे आने वाले समय में सारी अपलोड हो जाएंगी, जिनको आप देख के इंजॉय कर सकते हैं, इंटरटेन हो सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर। तो नाउ दोस्तों अब बारी आती है वापस से आरू वैली से अपने होटल जाने की। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में मिलता है पहलगाम का मार्केट दोस्तों। ये पहलगाम का मार्केट है जहाँ पर मुग़ल दरबार आर के बहुत सारी शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स थे, शॉपिंग करने के लिए लोकल मार्केट था। तो हम लोग पूरा क्रॉस करते हुए पहुँचते हैं घर, लेकिन रास्ते में एक और सीन देखा दोस्तों, देख रहे हो आप सामने,
ये आपको जो सीन दिख रहा है वहाँ पर टॉप में ना स्नोफॉल हो रही है दोस्तों, ये अभी हमको देखने को मिलेगी कब, नेक्स्ट डे सोनबर्ग में। ये है दोस्तों हम लोग का पहलगाम का होटल, और मैं बाहर आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, उतने में ही चली गई है लाइट। आप देख सकते थे कितना ब्लू एकदम से जल रहा था। ये हम लोगों का पूरा रूम है, ऊपर कॉटेज है, इसमें ये लाइट जल रही है। आप देख सकते हो रूम में जहाँ पर ग्रीन पर्दा दिख रहा है ऊपर, वही हम लोग का रूम है। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, पहले थोड़ा होटल का एक राउंड मारते हैं, खाना खाते हैं, फिर चलते हैं रूम में, सोएंगे, आराम करेंगे। सर्दी इतनी है ना दोस्तों यहाँ पर कि मुँह की जो हवा है ना वो भी सर्दी में निकल रही है, देख सकते हो आपने। मैंने अंदर से इनर पहन रखा है, ऊपर टी शर्ट है, फिर जैकेट पहन रखा है, फिर भी सर्दी लग रही है क्योंकि टोपा नहीं लगाया हुआ है। और ये है हमारा दोस्तों पहलगाम का होटल जिसका नाम है रिवर साइड रिसोर्ट, और यहाँ पर हम लोगों का रूम बुक है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। अभी खाना खाने के लिए हम लोग नीचे आ गए हैं, तो मैंने सोचा आज के दिन के ब्लॉग की एंडिंग करता हूँ आज के वीडियो के साथ, क्योंकि सुबह हम लोग उधमपुर से निकले थे और उसके बाद मैंने आपको दिखाया पूरा आरू वैली, हम लोग पहलगाम में गए घूमने के लिए, और जिसके बाद अभी नाइट स्टे के लिए हम लोग आ गए हैं हमारे होटल में जिसका नाम ये इसका रिवर साइड रिसोर्ट जो इसका नाम है लिखा हुआ है। सामने देख सकते हैं गाड़ी जा रही है, और इसके पीछे जस्ट यहाँ पर पीछे जो है पूरा रिवर नदी बह रही है, और जो अभी मैं सुबह दिखाऊंगा, रात में तो नहीं दिख रही है। और सामने हाईवे है, और इधर पूरा ये है बिल्डिंग इसकी, एक वो थर्ड बिल्डिंग है वो साइड में जिसमें मेरा रूम है, एक ये बिल्डिंग है इसकी और एक ये बिल्डिंग है, तीन बिल्डिंग है इसकी जहाँ पर ये सारे रूम्स हैं। और ये इसका पूरा गार्डन जहाँ पर आप आराम से पार्टी कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रुप है इनका, पूरा कॉलेज ग्रुप है या जो भी ऑफिस ग्रुप है आया हुआ है, पूरा इनका खाना पीना पार्टी चल रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं ये लोग। देख सकते हो थोड़ा सा डांस वांस चल रहा है लड़की का, मैं ज़्यादा तो नहीं बना सकूँगा, सर्दी इतनी लग रही है कि कप रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं अंदर और खाना खाते हैं पहले, फिर उसके बाद घूमते हैं या फिर सोएंगे आराम से, क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह घूमेंगे फिर आराम से। तो आज के वीडियो की एंडिंग करूँगा मैं अपने इसी व्लॉग के साथ। वंस अगेन दोस्तों हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए हमेशा हमारे वीडियोस पे। तो दोस्तों आज का हमारे इस वीडियो का जो इस ब्लॉग का लास्ट है वो यही है, खाने के साथ इसको मैं ख़त्म करूँगा, जैसे कि हमारा खाना लग चुका है। तो बिना ठंडा हुए खाते हैं फटाफट से खाना, और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है नॉनवेज खाने में, यहाँ पर ऑप्शन है सारे। ये है हमारे होटल की खासियत। चलिए पहले खाना ले लेता हूँ फिर मिलता हूँ। ये है दोस्तों आज का खाना, एक्चुअली वेज भी था और नॉन वेज भी था, बफ़े में लगा हुआ है पूरा, आप लोग देख सकते हो, जिसमें हम लोग होटल के साथ खाना भी ऐड है। और वेज नहीं लेते हुए हम लोगों ने लिया, मैंने लिया है चिकन, एक भाजी, चावल, सैलेड और सेवई की खीर है मीठे में, तो वो बाद में लेता हूँ, और अभी रोटी आ रही है गर्मा गर्म। तो दोस्तों ले लिया है हमने ये खाना, अब खाते हैं आराम से गर्मा गर्म खाना, फिर मिलता हूँ मैं आपसे, और कैसा खाना बना है वो भी मैं बताऊंगा। होटल के बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बढ़िया है, खाना खा के और फिर मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि खाना ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फाइनली दोस्तों अब मैं करता हूँ आपसे अलविदा, कई बार मैं आपको अलविदा और बाय बोल दिया, उसके बाद कभी घूमने निकलता हूँ कभी खाना खाने, पर अब फाइनली मैं जा रहा हूँ ऊपर रूम में सोने के लिए। खाना मैंने खा लिया, खाना बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर पहलगाम में क्या है ना कि मतलब कि रूम के साथ ही फूड जो था ना ऐड था, मतलब कि ऐड हमने करा लिया था, क्योंकि बाहर बहुत दूर हैं और जो ऑप्शन लेते हैं हम खाने की वो भी अलग से मिलते हैं, यहाँ बफ़े में मिला जो खाना चाहते थे वो मिला। बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही अच्छा था, ना मिर्ची मसाले ज़्यादा थे, तो हो गया है पेट पूजा, अब आ रही है नींद, और मिलेंगे अब आपसे कल सुबह नई जगह नए प्लेस पे और नए ड्रेस के साथ और नए एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सबका खैर दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।